दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में फ्लॉकिनो कॉइन के बारे में। देखो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है भैया लिस्टिंग को लेके। फ्लॉक की लास्ट भैया काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा नाम बना के रखा है। उस बीच में भैया लिस्टिंग होना तो कन्फर्म था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा था काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे। वीडियो में सब कुछ बेसिक से समझते हैं क्योंकि फ्लॉकी को लेके भैया आज की डेट में लोगों का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं अगर वो कोई भी प्राइस पे बाइंग कर रहा है तो वो निकाल रहा है प्रॉफिट। सब कुछ बेसिक से पता लगने वाला है कि और क्या कुछ हो सकता है फ्लॉकी के साथ में। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो बोट्स डेली लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए फ्लॉकिनो की जो करंट की प्राइस है उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं 4.039 की सीरीज चल रही है। डंप मारा था देन वहीं पे 39 की सीरीज आ गई है। जो डंप रिकवर किया गया इस तो 24 आवर्स का रेशो देखो आप 7 से 8% 24 आवर्स में निकाला है। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है कि चलो लिस्टिंग के अपडेट को लेके एक बड़ा प्रॉफिट मिला है। लेकिन जो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है गाइस उसका नाम है crypto.com। ये एक ऐसा एक बड़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसमें भैया 80 मिलियन प्लस होल्डर्स है। मतलब यहाँ पे इतने होल्डर्स ने भैया crypto.com को इंस्टॉल करके रखा है। और कहीं ना कहीं गाइज अब ऐसे एक्सचेंज पे अगर लिस्ट हो जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जो होल्डर्स वेट कर रहे थे भैया फ्लॉकी को हम ये एक्सचेंज पे बाय करेंगे। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है फ्लॉकी के साथ में। एक लिस्टिंग की भी अपडेट हमने इस अभी रिसेंटली हमने देख लिया crypto.com पे। उसके साथ साथ में जो crypto.com की फ्लॉकी लिस्ट हुआ है प्लस और एक कॉइन है वो भी लिस्ट हुआ है। अभी आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो और बहुत अच्छी अपडेट हो जाती है क्योंकि ग्लोबली मार्केट जिस तरीके से गाइस अभी बुल रन दिखा रहा है अपना वो कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव मार्केट है। बिटकॉइन को देखो आप अभी 1000 प्लस है। एक टाइम था 23-24 हज़ार पे घूम रहा था, बहुत नीचे आ गया था बिटकॉइन। आज की डेट में कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में अगर आपने कोई भी कॉइन पे भरोसा किया होगा, ज़्यादातर फंडामेंटल कॉइन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ टॉप के ऐसी 10 या 20 कॉइन, क्योंकि मैंने देखा हूँ जो मीम कॉइन है गाइस अभी आप शिबा को देखो 7 डेज में वही 3-4% लॉस में चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन इथेरियम को देखो आप 35-36% अभी भी ऊपर है। तो ये होता है फंडामेंटल कॉइन का प्रेशर। हालांकि जो कॉइन ट्रेंड कर रही है जैसे फ्लॉकी हो गया वो भैया बहुत दिनों से चल भी रहा था तो एक बड़ा सा डंप मारा देन उसने रिकवर करके 8% रिटर्न भी दिया। तो ये जो फ्लॉकी की जो प्राइस नीचे आई भी थी अभी कुछ दिन पहले तो ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि एक बाइंग का टाइम दिया था, क्योंकि हमने देखा है फ्लॉकी को कहीं ना कहीं BNB पे ट्रेंड करता हो, फ्लॉकी को कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर के जरिए हमने देखा है टी शर्ट पे कह सकते हो फ्लॉकिनो शॉप, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्लॉकी के साथ जुड़ रही थी। उस बीच में भी प्राइस डंप आई थी, लोगों ने बाइंग किया थोड़ा रिस्क लेके क्योंकि मीम कॉइन होता है गाइस कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट देता है उसके बाद बहुत सी कॉइन गिर जाती है, लेकिन फ्लॉकी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और आज की डेट में फ्लॉकी जो काम कर रहा था उसके हिसाब से नहीं लग रहा था गाइस हमको कि फ्लॉकी एक टाइम के लिए भैया बहुत ज़्यादा डंप कर जाएगा, क्योंकि बहुत सी कॉइन की है मैं बहुत ऐसी बहुत सारी कॉइन है गाइस जिनने 100-150-200% देने के बाद में लोगों को लगता है कि चलो विश्वास कर लेते इस कॉइन पे और फिर बाइंग जैसे ही करते उसके बाद में 2-4% ऊपर तो जाता है लेकिन देन 25-30-50-60% नीचे गिरता भी है। तो ये चीज़ें होती है बहुत सी कॉइन के साथ, लेकिन फ्लॉकी ने आज तक अभी मतलब अभी की सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा सीन नहीं दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि और ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? एक तो गाइज आप देखो इसकी वॉल्यूम, दूसरी जो लिस्टिंग की अपडेट लगातार आते जाती है। अभी बाइनेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है फ्लॉकी के साथ में मैं कहूँ तो, क्योंकि ट्विट की कम्युनिटी भी 400K के आसपास जा पहुँची है। जो चीज़ें चाहिए कम्युनिटी को, जो एक्सचेंज को चाहिए वो फ्लॉकी तैयार कर रहा है। पार्टनरशिप भी लगातार होते जा रही गाइज और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया जो न्यू टीम न्यू कोलेब्रेशन न्यू पार्टनरशिप जो नाम होता है वो एक बड़ी एक पहचान होती है और कॉइन को लिस्टिंग तक पहुंचाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब भी देखा हूं कॉइन को जब भी अपडेट होती है कॉइन लिस्टिंग की भैया अपडेट बिल्कुल आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि भैया जो ट्रेंड कॉइन करता है उसका जलवा होता है सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो। बाकी आप देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो BSC वेल्स है टॉप 10 वेल्स में आप यहाँ पे देखोगे और सबसे ज़्यादा जो बाइंग हुई है फ्लॉकिनो को ख़रीदा है BSC वेल्स ने, ये भी चीज़ समझ में आती है। ट्विटर पे ट्रेंड देखो भैया, ट्वीट पे लगातार फ्लॉकिनो आज कल एक दो दिन बाद बिल्कुल ट्रेंड में रहता ही है तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि जो गेम है जो चीज़ें चल रही फ्लॉकी के साथ में वो लगातार चलती ही जा रही है। हम बहुत सारी ऐसी अपडेट है गाइस फ्लॉकी को लेके छोटी बड़ी, लेकिन
सब बातें जो शेयर वो तो हमने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा एक जो अपडेट था वो था एक लिस्टिंग को लेके। फाइनली सभी के पास लिस्टिंग आ चुकी है और आज की डेट में फ्लॉकी ने 8-9% का पंप भी दिया है। वीडियो में गाइस आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, फ्लॉकी क्या सच में आपने अपडेट ही देखा है, फ्लॉकी को बिल्कुल बाय करके भी रखा है, क्योंकि फ्लॉकी कुकॉइन पे आ चुका था, कुकॉइन पे लिस्टिंग था, यूनिस्वैप पे लिस्ट पहले से ही था, वहां से आप बाइंग कर सकते थे। हालांकि अभी crypto.com पे भी आ चुका है और आगे और भी एक्सचेंज गाइस उसके लिए तैयार है, तो आप बिल्कुल देखते रहो। कॉइन जब भी नीचे आता है फ्लॉकी में एंट्री बिल्कुल बना सकते हो। वीडियो में गाइस एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। वीडियो बन जाता तो एक छोटा सा लाइक कर दो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।